रूड़ी साहब क्या बोलूं, मुझे तो एक शब्द नाम लेने का मन नहीं कर रहा। और मैं उनसे ये सबसे पहले मैं आपके माध्यम से उनसे पूछती हूँ कि आपका राजनीतिक इतिहास क्या है, आप राजनीति में कैसे आए, क्या संघर्ष किया। मैं पूरी बात रूड़ी जी नहीं बताऊंगी, आप पायलट थे, आप कैसे क्या किए, किनको नौकरियां दिलाइयां, किसके आशीर्वाद से आप राजनीति में आए, कैसे मंत्री बने, और आपके घर में उत्तराखंड में फार्म हाउस से लेकर बिहार से लेकर दिल्ली से लेकर कहां कहां पे जितने भी स्टाफ हैं, रूड़ी साहब आप ही बता दीजिए सैलरी कहां से उठाते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आपको इंचार्ज बनाया गया वहां पे कितना घोटाला हुआ वो आप ही बताएंगे। वहां कितने स्टाफ हैं और कितने काम कर रहे हैं और कितने आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं वो भी आप ही बताएंगे। आप स्किल इंडिया के मिनिस्टर थे, मोदी साहब ने आपको क्यों हटाया वो भी आप ही बताएंगे। एम्बुलेंस के ड्राइवर को स्किल इंडिया के तहत आपको ट्रेनिंग देनी थी, क्यों नहीं दी वो भी आप ही बताएंगे। मेरा तो सवाल इतना है, जिनके घर पत्थर शीशे के हों और वैसे लोगों को पत्थर मत मारिए जो सड़क पे पहले से खड़ा है। इतना आसान नहीं होता है, ये कोई ड्रामा या नाटक नहीं चल रहा है कि हम पिक्चर खिंचाने के लिए लाशों के ढेर पे जा रहे हैं, फोटो खिंचाने के लिए शमशान घाट में जा रहे हैं, फोटो खिंचाने के लिए अस्पताल अस्पताल घूमने का काम कर रहे हैं। ये मजाक नहीं है रूड़ी साहब, मुख्यमंत्री साहब और ये भाजपाइयों, कमरे में बैठ के लॉबी लॉबी खेलने में बहुत मजा आता है, मॉडलिंग करते हुए सेटिंग करने में बहुत मजा आता है। और रूड़ी साहब की राजनीति हैसियत राजनीतिक व्यक्ति से ज्यादा सेटिंग और लॉबी लॉबी करने वाली है। आज उसी के बल पे जिस तरह आपने पप्पू जी को जेल भेजने का काम किया है, भाई वो तो सड़क पे खड़े थे अपनी मौत का कफन बांध के परिवार को, पत्नी को, बच्चे को, तमाम लोग को छोड़ के पहले ही अपनी जान देने के लिए खड़े थे, आपने उनको जेल भेज दिया, डरा दिया आपने, कितना डराएंगे। आपने तो मुझे भी जगा दिया, मैं एक सेकंड भी बाहर मास्क के बगैर नहीं रहती हूँ, लेकिन आज हूँ, आपने किया। अब जब तक पप्पू जी जेल में है खेल तो होगा और अस्पतालों का निरीक्षण भी होगा, जो बेड आप लोग बेच रहे हैं प्राइवेट और सरकारी, और जिन माफियाओं से मिलकर ड्रग्स की कालाबाजारी हो रही है, ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है, रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है, ये खुंदक सिर्फ पप्पू जी के राजनीतिक कद से नहीं है, ये खुंदक आपकी और ड्रग्स कंपनियों की, अरे बोल लो भाई तुम्हें लोग पीछे जो एक साथ मिली भगत से, जो आप पैसा कमाने में आज बिहार में रोक लग रही थी, हर अस्पताल में लगातार लोग रोक लगा रहे थे, हर अस्पताल में एक तरफ 95,000 का ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहा था तो कोई व्यक्ति आपको फ्री में पहुंचा रहा था, आपकी दुकान बंद हो रही थी।